हाय गाइस, आज मैं आपको मशरूम की एक नई वैरायटी दिखाना चाहती हूँ जो कि बहुत ही रेयर है और ये पाई जाती है लखीमपुर के जंगलों में, वो भी बहुत से थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो कि मॉनसून में आता है, ये अगस्त सितंबर के मंथ में। तो वहाँ से हमने वहाँ के लोकल लोगों से बोलकर ये मशरूम मंगवाया है और ये इसको धरती का फूल कहते हैं। ये वहाँ के जंगलों में पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक मशरूम है जो बहुत ही लंबा होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने लाने के लिए उसको काट दिया है। ये ऊपर ये बटसा है और नीचे इसी तरह से काफ़ी करीब ये काफ़ी लंबा सा होता है और उसको काट के साफ करके खाया जाता है। क्योंकि ये इतने कम टाइम पीरियड के लिए होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा भी होता है और साथ में इसका जो टेस्ट होता है वो नॉर्मल मशरूम जो हम लोग खाते हैं उससे काफ़ी अच्छा होता है। बट चूंकि ये एक रेयर चीज़ थी जो हर किसी को देखने को नहीं मिलती, तो मैं आप लोगों को इसको दिखाना चाहती थी। प्लीज़ इस मशरूम को, लखीमपुर का एरिया ये हिमालय का तराई रीजन आ हुआ है जो कि बहुत वहाँ पे ये पाया जाता है और वहीं पर ये उगता है। तो वैसे ये एक वाइल्ड मशरूम भी कहते हैं और इसको धरती का फूल भी कहते हैं। लोकल भाषा में इसको धरती का फूल या वाइल्ड मशरूम कहते हैं। इसकी लोग यहाँ पे मतलब इसको साफ करके बहुत अच्छे से इसकी सब्जी बना के खाते हैं जो लोकल लोग हैं। और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन केस अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।